वैल्यू व्लॉग और आज सीधा उठते ही नहा धो लिया हूँ, रेडी वगैरह हो गया हूँ और सुबह उठते ही एक गुड न्यूज मिली है, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज। सुबह से लड़ाई कर रही थी, घुसड़ कर रही थी जीजा, और उसका भगवान ने फल दिया, उसको मैडम का पैर तोड़ दिया है पर ऊपर अलमीरा से गिर के। और अभी तो इतने नाटक कर रही थी, मेरा पैर नहीं संभल रहा, ये नहीं संभल रहा, वो नहीं संभल रहा। और अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? चलो बढ़िया है। और ये भाई साहब भी आज नहा लिए जल्दी से, तो गाइस अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ उनको दिखाने और वहाँ से देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। अगर पैर टूटा होगा तो पैर पे चढ़ा देगा पट्टा, और बढ़िया है फिर बैठी रहेगी। वैसे ही काम करना है, वैसे ही काम नहीं करना होता है इनको घर का, तो इनको तो एक वो बहाना मिल जाएगा कि अब पूरा सारी चीज़ें घर में ला के दो, ऑफिस की तो लीव हो जाएगी। मजे ही मजे है, तो इसीलिए गिरी है वहाँ से ऊपर से अलमारी से कि कुछ काम नहीं करना पड़े घर का। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोनों मरीजों को लेकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, एक तो अपना पैर तोड़ा के बैठा है और एक इंसान की आँख में खिजली चल रही है। और देखो मतलब मेरी मम्मी को बहुत हंसी आ रही है जीजा के लगी, तो मेरे को भी आ ही रही है क्योंकि जिस हिसाब से ओवर एक्टिंग कर रही है ना भाई, लिटरली मजाक नहीं। तो चलो अब दिखा दो डॉक्टर को क्या होता है, और एक ही गाड़ी पर तीन लोग बैठ के जा रहे हैं। चलो मिलते हैं आपसे। डॉक्टर को फ्रैक्चर आया माइनर सा, और अन्नू अभी रिपोर्ट लेने गई है। पैर टूटा के किसे नहीं, अभी टाइम लगेगा। और जीजा नहीं, वो एक बार रिपोर्ट आ जाए एक्सरे की, फिर उसके बाद ही होगा। नहीं वो है ना, उसने 15 मिनट का बोला है। और यहाँ पे अब चल रहा है प्लास्टर। और मम्मी अभी गुस्सा में, क्या हो गया मम्मा, क्या बोला? हो गया हो गया, ठीक है अभी दर्द कम है। आ गए थे घर पे और जीजा को तो मजे हो गए, 10 दिन अब जीजा को कुछ काम नहीं करना है, घर पे रहना है ऐसे पिट्ठू बांध के। देखो यहाँ पे हुआ है फ्रैक्चर इस जगह, और ये दर्द है यहाँ पे। और जीजा कैसा लग रहा है आपको हाथ तुड़वा पैर तुड़वा के? अरे मजा आ गया 10 दिन की छुट्टी, और हमारी गुड्डा कुत्तिया को भी कुत्ती खा गई इसकी घर की, लूसी गुड्डा को खा गई है लूसी। और ये रहा अभियंश, अभियंश मजा आया गुड्डा को कौन खा गया? लूसी खा गई। और हमारा अभी मैं एक व्लॉग मतलब एक फुटेज शूट कर रहा था, तो कैमरा स्टार्ट होना बंद हो गया था। हमारा अभियंश कोरा हॉर्लिक्स खाता है, गधा कोरा हॉर्लिक्स। कौन खाता है? कोई नहीं खाता है, बकवास कर रहे मत ज्यादा, चोर है तू तो, भूखा है। मैगी मेरे लिए भी बनवा, लेकर मैं आया था, ज्यादा बकवास मत कर। क्या क्या क्या? नहीं मेरा है। अब रेडी हो चुका था जिम के लिए, तैयार हो गया, थोड़ा सा डाइट ली है मैंने, और रेडी हो चुका हूँ वर्कआउट करने के लिए, और बैग पैक वगैरह कर लिया है। और दुखी आत्मा जो अपने पैर पे पिट्टू बंधवा के बैठे हैं, इसको ऐसे पीछे करो, ऐसे पीछे रखो इसको, तो ये हाँ ऐसे रहना चाहिए, बांधे नहीं, उसने बोला भी तो था, आप उसका ध्यान ही नहीं देते हो। अब मेरी बात सुनो, आप तो 10 दिन मजे ही मजे हैं आपके, कुछ ही दर्द नहीं हो रहा, बेबी ने यहाँ नहीं रखो। तो गाइस अब मैं वर्कआउट करूँगा, आज मेरा लेग्स और शोल्डर है, तो देखो अगर एनर्जी लग नहीं रही है लेग्स मारने की, लेकिन ट्राई करूँगा कि लेग्स मारूँ, इतना हैवी नहीं लेकिन कुछ तो मारूँगा। तो चलो मिलता हूँ आपसे, मैं जिम में पहुँच कर ही पहुँच गया था, और अभी मैंने शूज़ वगैरह चेंज कर लिए, अब मैं सीधा जा रहा हूँ फ्लोर पर वर्कआउट करने, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगा देन वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे ऊपर फ्लोर पर। कर लिया है वर्कआउट डन, अब फिर चला रहे ट्रेडमिल। बाकी लाइफ की एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, कि अगर तुम ऐसे स्ट्रांग मैन नहीं बन सकते हो ना, तो बंदी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ का पैसा, और पैसा कमाओ भाई, बॉडी वॉडी किसी काम की नहीं है, चल ऐसे को तो खरीदते हैं, मतलब बॉडी वॉडी सब धरी की रह जाती है एक टाइम के बाद, लड़की को चाहिए होता है पैसे वाला सिंपल सा आदमी, ठीक है? तो पैसा कमाओ फिर बना लेना बॉडी, में क्या मतलब है लाइफ में, बॉडी बनाओ और ट्रेडमिल चलाओ, पतले रहो, एब्स कभी पेट आना चाहिए नहीं चाहिए। और एक बात बताऊँ लाइफ में, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ना कुछ नहीं करना ना, तो तुम्हारी लाइफ में भगवान एक लड़की डालेगा जो तुम्हारी है ना तुम्हें फोकस से हटा देगी। और जब तक तुम्हें है ना लाइफ में फोकस करना है ना भगवान को, तो भगवान क्या करेंगे, तुम्हारी लाइफ में एक हार्ट फेलियर दे देंगे,
तुम्हारा दिल तोड़ देंगे ना, तुम फोकस हो जाओगे कि बहन छो मर्द तभी फोकस हो पाता है जब उसका दिल टूटा हो, वरना मर्द कभी फोकस नहीं हो पाता। तो भाई आज का गाना यही था, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी कुछ भी बोलूँ, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल मिस यू, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, ये बच्चों दी मैं सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ। मेरे आंसू नहीं रुक रहे मेरे तुम्हारे बिना, बहुत खुशी हो रही है भाई। कोई घंटा भरेंगे कट रहा हो गया जो होना था। मेरे को मोटिवेशन मिला है कि मैं बाहर मुँह मारूँ भाई, पेंसिल से बंधा हुआ था, तुम्हारा सोच के मैं कहीं दिमाग नहीं लगा पा रहा था। अब तो फोकस्ड बॉडी पे भी, हर जगह फोकस्ड, फिर से मोटिवेशन, फिर से जोर करना है लाइफ में, वो सही चीज़ें करनी है तो मज़ा आ जाएगा। अब जाके यहाँ से खाऊंगा अंडे। वर्कआउट से निकल चुके थे, वर्कआउट कर लिया हमने, जिम से निकल चुके थे, और आज लाइक अभी मेरे को घर वालों ने काम बता दिया छोटा सा, तो वो करने जा रहा हूँ। और रास्ते में मंदिर तो जाना ही था, तो भगवान भी चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊँ, तो उसी तरफ का कोई कार्य बताया है भगवान ने, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और गिरीश को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गिरीश भी आज हमारे साथ मंदिर जा रहा है, बहुत टाइम बाद। तो गाइस एक और चीज़ कहूँगा, आज वर्कआउट में मज़ा आया, ऐसे जितना ज़्यादा नहीं करा क्योंकि कहीं बहुत सही जगह बिजी था, और थोड़े वर्कआउट के शूट थोड़े से लिए मैंने फुटेज, ऐसा ज़्यादा फुटेज शूट भी नहीं करे वर्कआउट के। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लाइफ का एक और ज्ञान आज की, जो लड़की होती है ना गाइस, वो क्या होती है कि जब तक तुम्हारे साथ रहती है ना, उसका एक्सपीरियंस होता है कि अपनी पास्ट रिलेशनशिप से कि कैसे है ना उसको मूव ऑन करना है, कैसे किसी का काटना है। तो मैं मेरा लाइफ का एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक मेरी जो एक्स थी, उसको एक्सपीरियंस है कि लाइफ में क्या करना है, मतलब कैसे है ना उसको छुटकारा चाहिए। तो वो मेरे साथ 2.5 साल थी, फिर उसके बाद वो मेरी सारी गलतियाँ निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि उसको एक बेटर ऑप्शन मिल गया। तो भाई बेटर ऑप्शन मिल गया तो उसने वो चीज़ें करी मेरे साथ कि जो मुझे लगता था कि फ़न वे में करी जाए, ठीक है, तो फन वे में करी जाए। तो उसने बहुत सारी चीज़ें वो पकड़ के बैठ गई कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो वैसा है। कुल मिला के मेरे को ब्लेम कर रही है कि मैं ना तेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तू ऐसा है, क्योंकि उसको ब्रेकअप करना था, इसलिए सारे ब्लेम मेरे पर डाले। तो भाई ये चीज़ें समझ में आया नहीं है, क्योंकि जो लड़कियाँ रहती हैं ना वो एक्सपीरियंस होल्डर रहती है, और लड़के तो क्या पूरा दिल दे देते हैं, चूती हो जाते हैं। था गिरीश को लेके घर पे, और भगवान के प्रसाद वगैरह भी चढ़ा दिया है, और इसमें से ले ले बाकी घर पे दे दे वाला। और भाई साहब मैं एक चीज़ पे था, तो मैं बताना, मतलब बीच में दोस्त आ गया तो इंटरप्ट हो गया था चीज़ से, कि जो लड़कियाँ रहती है ना भाई, बहुत मेच्योर रहती है हर चीज़ को लेकर, मतलब लाइफ में उनको सब पता रहता है कि कौन सा टाइम क्या करना है और कैसे किसी को छोड़ना है। तो वो चीज़ें क्या लौटने नहीं समझ पाते, और मतलब मेरा मानना है कि जो लड़के रहते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो जाते हैं लड़कियों को लेकर, कि यार नहीं भाई ये लड़की ऐसी है, वैसी है, वैसी है। फिर क्या है, लड़कियों को जब ब्रेकअप करना होता है ना, तो वो तुम्हें बोलेगी कि भाई है ना तू मेरे लिए क्या करता है, तूने ऐसा क्या कर दिया मेरे लिए, कि है ना ऐसा तो सब करते हैं, सबसे कंपेयर करेगी। फिर समझो तुम किसी लड़की के साथ 2.5-3-4 साल से हो, लेकिन उसको एक तुमसे बाहर से आया हुआ लड़का तुमसे ज़्यादा केयरिंग हो गया, तुमसे ज़्यादा समझने लग गया उसको, तो ये चीज़ें हजम नहीं होती कि साला 4 साल तुम किसी लड़के के साथ हो, 2.5 साल हो, 3 साल हो, कोई लड़का आया उसको 10 दिन हुए, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा उसको समझता है और तुमसे ज़्यादा केयरिंग है, तो ये चीज़ें समझ रहे हो कहाँ हैं? ये कुछ ही नहीं है भाई, ये बेटर ऑप्शन की तलाश है, और जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके पास जाने का रास्ता है भाई। देखो साफ सीधी सी बात है, कोई इसमें वो नहीं है कि पापा नहीं मान रहे थे, माँ बाप पहले दिन से पता होता है लड़की को कि माँ बाप नहीं मान रहे। तो गाइस मैं आपसे वैसे यही कहूँगा कि प्यार करो तो थोड़ा देख के। अब लाइक घर से फ्री हो गया, प्रोटीन बना लिया मैंने, और अब जा रहा हूँ हिमांशु के घर, क्योंकि अब वो सिर्फ 2 दिन का मेहमान है अजमेर में, बाकी फिर वापस से वो पुणे चला जाएगा। तो उसका फ़ोन भी आया था कि भाई आ जाओ मिलने, तो मैं और मेरा भाई रॉकी ब्रदर्स हम दोनों जा रहे हैं हिमांशु के घर पर, और वहाँ से देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं, मिलते हैं आपसे उसके घर पहुँच के।